नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। विद्यार्थियों, आज की मेरी क्लास बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के छात्र हैं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपके पाठ्यक्रम के मुताबिक 1740 ईस्वी से शुरू होता है और लगभग देश की आज़ादी और पुनर्गठन की प्रक्रिया तक की प्रक्रिया इसमें शामिल की जाती है। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वह टॉपिक है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन एट द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले और उस दौरान हिंदुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, और इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये दो टॉपिक आपके प्रथम इकाई से संबंधित है। इन्हीं दो टॉपिक के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूँगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस टॉपिक को कुछ भागों में बांट कर गहराई के साथ समझा जाए। विद्यार्थियों, जब भी हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में, तो हमें गौर से बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा उस पूरी प्रक्रिया को जिसके दौरान ये कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही है और उनके आने का क्या मकसद है। जहाँ तक मकसद की बात है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि इसके पीछे केवल और केवल आर्थिक मकसद छिपा था। उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर कब्जा करना और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल करना, इसी मकसद से यूरोपीय कंपनियां हिंदुस्तान में आई। इन यूरोपीय कंपनियों ने हिंदुस्तान को कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत के रूप में देखा और अपने द्वारा तैयार निर्मित माल को यहाँ के विशाल बाजारों में खपाने की नीति के रूप में देखा। शुरुआती दौर में ये सभी कंपनियाँ व्यापारी के रूप में आई, लेकिन चूँकि इनको संसाधन सस्ते में चाहिए थे, आर्थिक संसाधन, या लगभग मैं कहूँ कि मुफ्त में चाहिए थे, और इसके लिए ज़रूरी ये था कि कंपनी, चाहे यूरोपियन कंपनियों में पोर्तगीज कंपनियों, ब्रिटिश कंपनियों, डच कंपनियों या फ्रेंच कंपनियों, ये तभी संभव था इनकी दृष्टि में जबकि ये राजनीतिक शक्ति हासिल करें, और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल करनी शुरू की, और अल्टीमेटली जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को, पोर्तगीज कंपनियों को, डच कंपनियों को और फ्रांसीसी कंपनियों को अपने रास्ते से हटाकर किस प्रकार से हिंदुस्तान के व्यापार, वाणिज्य और राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतिहास में जितनी भी जंग होती है, उन सब के पीछे केवल और केवल आर्थिक कारण जिम्मेदार होते हैं, तो हम उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां किस दौर के अंदर आई और उनके आने की क्या परिस्थिति थी। यदि हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की प्रक्रिया को हम गहराई के साथ समझें, तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहले पुर्तगाल से व्यापारिक कंपनियों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। पोर्तगीज लोग व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कायम करने के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करने का प्रयास किया। लगभग 15वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में, या लगभग मैं ये कहूँगा कि 1460-65 के पश्चात, यूरोप में और विशेषकर पुर्तगाल में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी, और ये बेचैनी थी हिंदुस्तान से व्यापार के लिए कोई सामुद्रिक रास्ता खोजा जाए, और इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए और केप ऑफ गुड होप के जरिए, उत्मासा अंतरिक्ष के जरिए इस प्रकार की कोशिश की गई, और 1498 में वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की। खोज का मतलब ये है कि पुर्तगाल से हिंदुस्तान के लिए व्यापार के लिए एक समुद्री रास्ता खोजा गया। ये सारे के सारे प्रयास पुर्तगाल में शुरुआती दौर में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर काफ़ी उत्सुक व्यक्ति था, वो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था,
और वो पुर्तगाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधनों वाले केंद्र चाहता था, और इस चीज़ के लिए उसके पास काफ़ी चीज़ें थी। पुर्तगाल की एक अच्छी क्वालिटी की नौसेना थी, और दूसरी बात यह कि पोप ने, जो रोमन कैथोलिक धर्म का प्रधान था, वो रोमन कैथोलिक धर्म जो 15वीं शताब्दी में यूरोप के तमाम हिस्सों में छाया हुआ था, रोमन कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च मुखिया पोप ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, और पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों को यह अधिकार दिया कि तुम अपने अपने तरीके से इन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो। तो शुरुआती दौर में पोर्तुगीज कंपनियां हिंदुस्तान में आई। 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया, कालीकट के तट पर उतरा, और कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब यहाँ से वास्को डिगामा वापस गया तो वो अपने जहाज के अंदर काफ़ी सामान भरकर ले गया था यहाँ से, और उसने कहा जाता है कि वो सामान यूरोप में 60 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर बेचा। बाद में वास्को डिगामा वापस आया और उसने वहाँ पर कालीकट में अपने प्रभाव को जमाने की कोशिश की। कुछ समय बाद कालीकट के जमोरिन और पोर्तुगीज लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में झगड़ा चालू हुआ, और इस संघर्ष में कालीकट के जमोरिन की हार हुई, और कालीकट और कोचीन के क्षेत्र ये पोर्तुगीज के नियंत्रण में आ गए पुर्तगालियों के। इसके बाद हम देखते हैं कि 1505 में डी अल्मीडा हिंदुस्तान में पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है, और 1509 में डी एल्बुकर्क वो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आता है। एल्बुकर्क के समय में सबसे बड़ी बात यह थी कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार होता है, और 1510 में पुर्तगाली बीजापुर के आदिलशाही हुकूमत से गोवा छीन कर गोवा पर अपना अधिकार कर लेते। तो गोवा, कालीकट, अंडमान निकोबार, दमन दीव, इस प्रकार के क्षेत्र, कोचीन, ये इस प्रकार के कालीकट के आसपास के क्षेत्र पोर्तुगीज नियंत्रण में आ गए। पुर्तगालियों के बाद हिंदुस्तान में डच कंपनियों का आगमन हुआ, वे भी व्यापार के लिए आए। इसके बाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान से व्यापार करने के मकसद से पूर्वी देशों की एक कंपनी बनाई गई, जिसका मकसद था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। और कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी भी इसके अंदर उस कंपनी के एक शेयर में हिस्सेदार थी। ब्रिटिश संसद के रॉयल चार्टर के द्वारा इस कंपनी को वैधानिक मान्यता दी गई, और कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ, और उसने मुगल सम्राट जहांगीर से कंपनी के लिए विविध प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, और कई क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियाँ, फैक्ट्री कायम करने की अनुमति उसने ली। इसके बाद थॉमस रो, वो भी हिंदुस्तान आया, और उसने भी मुगल सम्राट जहांगीर से काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं हासिल की। तो विद्यार्थियों, ये सब एक प्रक्रिया थी हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। बाद में फ्रांसीसी कंपनियां भी आई, और अल्टीमेटली हम इस संघर्ष में फाइनली ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक सर्वोच्च कंपनी के रूप में, शक्तिशाली और ताकतवर कंपनी के रूप में उभर कर सामने आती है, और बाकी अपनी सभी प्रतिद्वंद्वी व्यापारिक कंपनियों को रास्ते से हटाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैनिक ताकत और राजनीतिक ताकत काफ़ी हद तक आ गई थी, और इस सैनिक ताकत और राजनीतिक ताकत के बूते पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनीज को बेदरा की फाइनल लड़ाई में हरा कर रास्ते से हटाया। पोर्तुगीज को केवल पौंडीचेरी तक सीमित कर दिया गया पुर्तगालियों को, और फ्रांसीसियों को भी एक लिमिटेड क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, और शक्तिशाली होकर ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को परास्त कर रही है, और 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हराने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम हो जाता है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1757 की प्लासी की जो जंग थी वो ब्रिटिश रणकौशल की जीत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश कूटनीति की जीत थी, ब्रिटिश डिप्लोमेसी की जीत थी, कि किस प्रकार से कंपनी ने मीर जाफर को अपने पक्ष में मिलाकर सिराजुद्दौला को आसानी से रास्ते से हटा दिया। लेकिन 1764 की जो बक्सर की जंग थी, ये जंग इस प्रकार की जंग थी जिससे कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश सैन्य कौशल की छाप छोड़ दी,
और ये साबित कर दिया कि एक छोटी सी ब्रिटिश अनुशासित सेना भारी भरकम भारतीय फौज पर भी काफ़ी हद तक भारी पड़ सकती है। इस लड़ाई में लगभग 70-80 हज़ार सैनिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, और 10 हज़ार के ब्रिटिश फौज का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुंड्रो के पास था। तो उस 10-15 हज़ार की छोटी सी फौज ने 70-80 हज़ार की एक बड़ी भारतीय फौज को हराया, और एक ऐसी भारतीय फौज को हराया जिसका नेतृत्व मीर कासिम कर रहा था, जिसका नेतृत्व अवध का नवाब वजीर शुजाउद्दौला कर रहा था, और जिसका नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम भी कर रहा था। तो बक्सर की हार केवल मीर कासिम की हार नहीं थी, बल्कि मुगल सम्राट की हार थी और अवध के नवाब वजीर की हार थी। तो ये मैंने आपको एक संक्षेप में एक आउटलाइन बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां हिंदुस्तान में आई। अब मैं साथ ही साथ आपसे बात करता हूं उस दौर की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में कि हिंदुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। 1707 ईस्वी में महान मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की गर्त की तरफ जा रहा था, और पतन की गति बहुत ज़्यादा थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह फर्स्ट, मुगल सम्राट जहादार शाह, फारूक अरसियर, रफीउद्दराजत, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर एक के बाद एक करके मुगल सम्राट दिल्ली के तख्त पर बैठे, लेकिन हटा दिए गए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट तक तो स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट के बाद मुगल राजनीति में एक नवीन परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब तक, इससे पहले तक मुगल राजकुमार उत्तराधिकार की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे, लेकिन अब स्थिति अलग हो गई है। अब मुगल दरबार में हमें कई प्रकार के विरोधी गुट दिख रहे, और ये विरोधी गुट अलग अलग मुगल राजकुमारों का पक्ष लेकर अपनी अपनी पसंद के मुगल राजकुमार को सम्राट बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। मुगल दरबार में तुरानी गुट था जिसका नेतृत्व चिनक्लिज खान निजामुल मुल्क के पास था, दूसरा दल ईरानी दल था जिसका नेतृत्व अवध के नवाब वजीर सादत खान बुरहानुल मुल्क के पास था। इसी प्रकार से एक हिंदुस्तानी दल था जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से संबंधित था, जिसमें सैयद बंधु जिनका नेतृत्व कर रहे थे और राजपूत स्टेट उनके साथ शामिल थी। तो एक बात अच्छी तरीके से याद रहे कि यदि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर है तो साम्राज्य का बिखराव स्वाभाविक है। मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का मतलब यह था कि मुगलिया साम्राज्य के जो हिस्से थे वे कमज़ोर हो गए, और एक एक करके उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। राजपूत स्टेट्स ने मुगलों के आदेशों को मानने से मना कर दिया। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के वंशजों और पेशवाओं ने मुगल सत्ता के खिलाफ यूं डंका बजा रखा था। सिखों ने औरंगजेब के समय में बगावत कर रखी थी, सतनामी और जाटों ने भी औरंगजेब के समय में बगावत कर रखी थी। 1721 में अवध के नवाब वजीर सादत खान ने स्वतंत्र अवध की रियासत की स्थापना की। 1724 में हैदराबाद में निजाम हैदराबाद ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा, और दक्षिण में मराठों ने आतंक मचा रखा था, और इसके अलावा उन्होंने छापामार हमले करके मालवा, गुजरात और राजपूताना तक उन्होंने अपने हमले चालू कर दिए, और मालवा और गुजरात से उन्होंने चौथ वसूली के अपने अधिकार को एक प्रकार से वैधानिकता प्रदान कर दी थी, और ताकत के जरिए चौथ वसूल करने लगे। मुगल सम्राट इस स्थिति में नहीं था कि शक्तिशाली मराठा साम्राज्य को रोक सके, और 1720 से लेकर 1740 ईस्वी का समय शक्तिशाली मराठा पेशवा, जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एशिया के शक्तिशाली सेनापतियों में से जिसका शुमार किया जाता, पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, तो उसके समय में मुगल साम्राज्य की नींवें पूरी तरीके से हिल गई। रही सही कसर 1739 में नादिरशाही हमलों ने पूरी कर दी। 1739 में नादिरशाह दुर्रानी अपना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर दिल्ली आ धमका, दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा गया। मयूर सियासन तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा नादिरशाह अपने साथ लूट कर ले गया। 1761 में मुगल साम्राज्य को पानीपत की तीसरी जंग झेलनी पड़ी, जिसने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से खराब कर दी। विद्यार्थियों, हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ क्षेत्र बन गया,
और मुगलों के अधीनस्थ क्षेत्रों ने मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नवाब अली वर्दी खान वो नाम मात्र के लिए मुगल अधीनता स्वीकार करता था, बाकी व्यवहार में वो स्वतंत्र था। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो, जब रियासतों को अपने अपने अस्तित्व को भय हो, तो आर्थिक स्थिति खराब होना स्वाभाविक है। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयों का दौर कायम है तो आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक। तो इस प्रकार की स्थिति हम उस पूरे दौर में देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जब मराठा हमलों का दौर चालू है तो खेती बर्बाद हो रही है, चौथ और सरदेशमुखी इस प्रकार के कर हैं जो कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की हम स्थिति 1740 के बाद पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं, और 1740 से लेकर 1761 तक 21 साल तक हिंदुस्तान के इतिहास में संक्रमण का समय था। और यह संक्रमण इस प्रकार का संक्रमण था जिसने कि ब्रिटिश पावर को इनडायरेक्टली बढ़ने में मदद दी। 1761 की पानीपत की जंग ब्रिटिश पावर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई, और पानीपत की लड़ाई 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की या विश्व इतिहास के उन गिनी चुनी लड़ाइयों में से एक थी जिसका फायदा न जीतने वालों को हुआ न हारने वालों को हुआ, बल्कि एक ऐसा तीसरा पक्ष जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया वो इससे लाभान्वित हुआ। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये लाभान्वित होने वाला पक्ष और कोई नहीं अंग्रेज थे। तो जब ये युद्ध हो रहा था उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव हिंदुस्तान में तैयार होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की रूपरेखा तैयार कर रहा था। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, एक सामान्य रूपरेखा बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में ब्रिटिश कंपनियों के आगमन के समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का क्या स्वरूप था। कल आगे की कक्षा में मैं आपसे इस बारे में और विस्तार से चर्चा करूँगा। चूँकि इतिहास, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतिहास अतीत पर टिका हुआ, यदि हमें 1740 से आगे के इतिहास का अध्ययन करना है तो हमारे लिए ये जानना स्वाभाविक है कि 1740 से पहले की क्या स्थिति थी और क्यों 1740 की स्थितियाँ 1740 में आकर खड़ी हुई। तो इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड को देखना जरूरी है, और जब तक हम इसके बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे तब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड, इसके पृष्ठभूमि को समझाने की कोशिश की, आगे की कक्षा में हम इस बारे में और विस्तार से बात करेंगे। यह पार्ट वन था, मैं इसको पार्ट टू पार्ट थ्री में बांट कर मैं आपको इसको समझाऊंगा। तब तक आप इन चीज़ों को गहराई से समझें। स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।